काफी समय पहले की बात है, होशियारपुर नाम का एक गांव था। उसमें चंपक नाम का एक गरीब सा आदमी रहता था। चंपक की पहली बीवी मर चुकी थी और उसकी पहली बीवी से उसके एक लड़की थी जिसका नाम था कोमल। अब चंपक ने कोमल के पालन पोषण के लिए ही दूसरी शादी कर ली थी। अब उसकी नई बीवी थी जिसका नाम था शांति। शांति के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। उसके भी एक लड़की हुई जिसका नाम शांति ने ज्योति रखा। शांति बचपन से ही ज्योति से तो प्यार करती थी पर कोमल से हमेशा नफरत करती और घर के सारे काम कोमल से ही करवाया करती थी। ए कोमल, तुझे दिखाई नहीं देता, इतने बर्तन पड़े हैं, चल जल्दी से इन्हें मांज ले। माँ, मुझे सुबह से बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा लूँ? अच्छा, जब काम की बारी आती है तो तुझे हमेशा खाना दिखता है, तू कैसे सुधरेगी? नहीं माँ, आप गुस्सा मत करिए, मैं अभी बर्तन मांज देती हूँ। हाँ जल्दी कर, और मुझे ये तेरे नखरे ना अच्छे नहीं लगते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है? अरे अब इस लड़की को तो देखो कितने नखरे आ गए हैं, मैंने इसे जरा काम क्या बोला और उल्टा मुझसे बोल रही है। अब क्या बोल दिया इस बेचारी ने? बस खाना खाना दिखता रहता है इसको। अरे भगवान, खाना तो खाएगी ना, और खाना नहीं खाएगी तो कहाँ जाएगी? अरे माँ, कौन है सुबह सुबह, मेरी नींद खराब कर दी, अभी तो 9 ही बज रहे हैं। हाँ देखो, मेरी बेटी की नींद भी खराब कर दी है। माँ मैं काम कर तो रही हूँ ना। चल जल्दी से बर्तन मांज और उसके बाद मेरी बेटी ज्योति के लिए खाना भी बना दे। इसी तरह से शांति रोज कोमल को परेशान करती। वो सारा दिन कोमल से काम करवाती और उसके हर काम में कमी निकालती थी। एक दिन की बात है, कोमल पानी लेने के लिए गई हुई थी तभी अरे क्या हुआ, ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है? हाँ भगवान, देखो तो सही। माँ मैं गिर गई और मेरी कमर में बहुत जोर से चोट आई है माँ। अरे कलमुही, अब क्या हो गया, अब तू गिर गई? मुझे पता है तू ये काम की वजह से सारे ड्रामे कर रही है। अरे भगवान, कभी तो शांति रखा करो मन में, आखिर बेचारी गिर गई है, उसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, और इस समय पर भी तुम उसे बातें सुना रही हो। मैं सब जानती हूँ तुम बाप बेटी के नखरे, अगर अपनी बेटी से इतना ही प्यार था और मुझसे इतनी नफरत थी तो क्यों करी मुझसे शादी? मुझे सब पता है, मैं यहाँ पर अब एक पल नहीं रहूंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाऊंगी। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो भगवान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोलता हूँ ना। बेटा क्या हुआ? पता नहीं पिताजी, कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है और उठा भी नहीं जा रहा है, क्या करूं? लो जी, अब हम इसका क्या करेंगे? कमर दर्द का बहाना लेके जो पहले एक दो काम कर लिया करती थी, अब तो वो भी नहीं करेगी। देखो जी, अब ये मेरी किस काम की, और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। आप ऐसा करो, उसको कहीं घर से बहुत दूर छोड़ाओ उसको दूर। ठीक है भाग्यवान, मैं छोड़ाऊंगा इसे। बेटी मुझे माफ कर देना, मुझे तुझे छोड़ के आना पड़ेगा। अब बेचारा चंपक भी क्या करता, वो अपनी बीवी के हाथों मजबूर था, उसका अपनी बेटी को छोड़ के आना उसकी मजबूरी बन चुका था। पिताजी आप जहाँ चाहें मुझे वहाँ छोड़कर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, मैं पानी ले लेती हूँ, क्योंकि रास्ते में कहीं प्यास लगी तो कम से कम मैं पी तो पाऊंगी। हाँ बेटी ले लो और चलो, कहते हुए चंपक अपनी बेटी कोमल को जंगल में छोड़ आता है। कोमल घने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है जो काफी कमजोर थी, एक डंडे के सहारे से चलती थी। बुढ़िया ने कोमल को देखा और कहा, बेटा मैं इस भरी दोपहरी में बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ और बहुत तेज मुझे प्यास भी लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, क्या आप पियेंगे? कोमल ने अपनी चिंता किए बगैर कि कैसे वो इस भरी दोपहर में इस जंगल में अपना समय काटेगी, फिर भी उसने उस बुढ़िया को पानी पिला दिया। बुढ़िया ने जैसे ही पानी लिया, वो एक बड़ी सी विशालकाय देवी के रूप में बदल गई। हाँ आप कौन हो?
बेटा, मैं इस जंगल की देवी हूँ और ये जंगल मेरे अनुसार चलता है। इस भरी दोपहरी में तुमने मुझे पानी पिलाया है, मेरी प्यास बुझाई है। इससे प्रतीत होता है कि तुम दिल की कितनी साफ हो। मैं तुम्हें इसके बदले एक जादुई रथ देती हूँ और उसके साथ ढेर सारा देखो खजाना भी देती हूँ। बेटा जाओ इसे ले जाओ और तुम इससे बहुत अमीर बन जाओगी। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये तुम्हें पुण्य का फल मिला है, वो भी तुम्हारे पुण्य का। तो अगर कोई इसे तुमसे छीनना चाहेगा या फिर हड़पना चाहेगा तो उसका बहुत बुरा होगा। ऐसा कहते हुए वो वन की देवी वहाँ से गायब हो गई। कोमल उस सारे खजाने के साथ वापस अपने घर पहुँची। माँ माँ, पिताजी पिताजी, देखो माँ पिताजी। अरे बेटा, तुम और इतने सुंदर कपड़ों में, साथ में इतना सारा खजाना, आखिर ये सब कैसे हुआ? पिताजी, वो मुझे जंगल की देवी ने ये सब कुछ दिया है। हाँ सच में? ला बेटी ला, इसे तो मैं लूंगी मैं लूंगी। नहीं माँ, आप इसे हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर आप में से कोई भी इसे हाथ लगाएगा तो आपका बहुत बुरा होगा। अच्छा, तुम्हें ये सब जंगल की देवी ने दिया है, तो सही है। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बेटी ज्योति को भी जंगल में भेजती हूँ, वो भी ये सब लेकर आएगी। ए जी, आप ऐसा करो, जंगल में जहाँ कोमल को छोड़कर आए थे ना, वहाँ फटाफट से ज्योति को भी छोड़ाओ। जल्दी करो जल्दी करो। ऐसा कहते हुए शांति ने ज्योति को भी जंगल के उसी जगह पर छुड़वा दिया जहाँ कोमल को छोड़ा गया था। ज्योति जंगल के अंदर चलती है, उसे भी वही बुढ़िया मिलती है। बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी दोगी? नहीं, ये पानी मैं जंगल की देवी के लिए लेके आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। बेटा, हो सके तो मुझे पानी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, ये पानी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, इस पानी से मुझे खजाना मिलने वाला है, ये पानी मैं जंगल की देवी को दूंगी। बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मरती हो तो 100 बार मरो, मगर मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी। तभी वो बुढ़िया जंगल की देवी के रूप में बदल जाती है। दुष्ट लड़की, तू किसी मजबूर को पानी तक नहीं पिला सकती, बेशक वो मर जाए। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू पत्थर की बन जाए। ऐसा कहते हुए जंगल की देवी ने ज्योति को पत्थर की बना दिया और उसे उसके घर पर वापस भिजवा दिया। अरे लगता है कुछ रुकने की आवाज आई है, मैं जल्दी से जाके बाहर देख कर आती हूँ। है ये क्या? अरे भगवान, मेरी बेटी को पत्थर की कैसे बना दिया? हे भगवान, मेरे लालच ने मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया। तो इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी।